गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंट्स अड्डा। आज अपन पढ़ने वाले हैं सेलिंग ऑफ मशीनरी जब बनाया जाता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। कल अपन ने वीडियो में क्या चेकआउट किया था कि भाई सीधा सीधा सा अकाउंट है मशीन का, उसमें डेप्रिसिएशन भी कट रहा है तो क्या करो, मशीन को खत्म करना है अपने को, तो भाई देख लो नेट वैल्यू आज की तारीख में उसकी कीमत कितनी है, कंपेयर करो सेलिंग प्राइस से और बेच डालो। अच्छी बात है, आज भी यही करेंगे, पर आज थोड़ा सा टेढ़ा है। टेढ़ा क्या है? टेढ़ा है पर मेरा है क्या कि बना दिया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, यानी कि अब आप मशीनरी का खाता तो बना रहे हो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन साथ साथ बना रहे हो। मतलब ये कि डेप्रिसिएशन मशीनरी में नहीं लग रहा, यहां मशीनरी की जो कीमत आएगी वो कॉस्ट प्राइस है, वो नेट प्राइस नहीं है, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन नहीं है, ये कॉस्ट प्राइस है। डेप्रिसिएशन तो कहां पड़ा है भैया, वो पड़ा दूसरे खाते में। अब हम करेंगे क्या, मेरे को बड़ा आसान है समझा देता हूं पहले फिर क्वेश्चन करेंगे। हम क्या करेंगे, हम चलने दो मशीनरी को कॉस्ट पर, चलने दो खरीदेंगे तो लिखना है वरना नहीं लिखना, प्रोविजन को डेप्रिसिएशन चलने दो, भाई डेप्रिसिएशन जितना लगा चलने दो। बट जिस दिन मशीन बेचने की बात आती है, जिस तारीख को मशीन बेचने की बात आती है, उस तारीख तक का सबसे पहले लगा दो डेप्रिसिएशन, उस तारीख तक का सबसे पहले लगा दो डेप्रिसिएशन, और फिर सारा डेप्रिसिएशन उठा के कहां लेके आना है, मशीन। करना क्या है, वही करना है, वो फर्क इतना है कि वहां डेप्रिसिएशन ऑलरेडी मशीन अकाउंट में था तो हमने कोई दिक्कत नहीं पाती, पर यहां पे आपका डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट में पड़ा हुआ है, तो जिस तारीख को आप मशीन बेचोगे उस तारीख का डेप्रिसिएशन, उस तारीख तक का, जैसे चार तीन साल बाद, तीन साल तीन महीने बाद बेची, तो वो तीन साल तीन महीने का डेप्रिसिएशन उठाया यहां लिया है, ताकि हम दोनों को कंपेयर कर सके। भैया एक लाख यहां दिखा रहा है कॉस्ट प्राइस, यहां दिखा रहा है कि अब तक पिछले तीन साल में 30,000 का डेप्रिसिएशन इस मशीन पे ऑलरेडी लग चुका है, यानी कि उसकी एक्चुअल कीमत है 70,000 रुपए। पर अकाउंट की टर्म में कैसे बताऊं कीमत 70,000 रुपए है, मैंने क्या करा 30,000 रुपए का डेप्रिसिएशन यहां से उठाया और यहां लाके पटक दिया, ताकि क्या हो जाए, ताकि अब दिख रहा भैया 1,00,000 की मशीन है, 30,000 का डेप्रिसिएशन है, कीमत कितनी है, कीमत रह गई सिर्फ 70,000। करना क्या है, वही चलना है जैसे मशीनरी का प्रोविजन बनता है, जब बेचोगे तब उठा के लेके आओगे। कैसे लाना है क्वेश्चन करते करते समझाता हूं, अभी नहीं समझाऊंगा, अभी समझाऊंगा कंफ्यूज ज्यादा हो, एंट्री आते होगी सर ओके ये एंट्री है, बट एंट्री है कब है, जब अपन क्वेश्चन करेंगे। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया है, पिछली बार वाला ही क्वेश्चन है, उसमें थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन करा है हमने, बाय डिफॉल्ट हम कर देते हैं। तो देखो क्या है, मैंने क्वेश्चन को तोड़ा मोड़ा है और फाइनल आउटपुट यहां रख दिया। 1 अप्रैल 2015 को एक मशीन खरीदी थी 2,00,000 रुपए में, 1 अक्टूबर 2017 को वही मशीन, जो मशीनरी सोल्ड, कौन सी पहली बार जो मशीन खरीदी थी 1 अक्टूबर 2017 को उसको बेच डाला, ठीक है, साथ साथ 1 अप्रैल 2016 को एक नई मशीनरी भी खरीदी थी 50,000। 3 साल के खाते आपको बनाने, अब यहां डबल मशीन भी दे दी, सेलिंग भी दे दिया और प्रोविजन भी दे दिया, आपको सारा तिकड़म में एक ही जगह से बना बनू के देना वाला हूं। करते क्या है अपन, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, जितने सालों का बनाना है वो साले पहले तो तीनों साल लिख लो, साल ही नहीं साल लिख लो, कौन कौन से 3 साल बनाना है भाई 1 अप्रैल से लेकर, तो देखो हमको बनाना है 1 अप्रैल 2015 से लेकर 31 मार्च, या पहले मैं ऊपर अप्रैल और मार्च लिख देता हूं, अप्रैल मार्च 2015 से लेकर 2016, ये शॉर्ट में काम किया कर, ठीक है ना, 2016 1 अप्रैल से लेकर 2017 31 मार्च तक का, और 2017 1 अप्रैल से लेकर 2018 31 मार्च तक, ये 3 साल आपको क्रिएट करना है। पहले ये देख लो कौन से सालों में कौन कौन सी एंट्री करनी है, 1 अप्रैल 2015 से लेकर 31 मार्च 2016 तक कोई एंट्री है, एक एंट्री है पहली मशीन खरीदने वाली, यहां लिख लिया इस साल में है एक एंट्री, 2016 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2017 के बीच में कोई एंट्री है, दो एंट्री है, कम ऑन कितनी है, दो एंट्री है, कौन कौन सी, एक तो भाई पहली तारीख को बेच दी मशीन वो खरीद ली, और नहीं दो नहीं एक ही है भाई, ये तो 17-18 की हुई, हाँ तो इसमें भी एक ही है, कौन सी वाली, सेकेंड मशीन खरीदने वाली, और तीसरे 1 अक्टूबर 2017 तो वो यहां आएगी, कौन सी,
एक एंट्री यहाँ पे। तो भाई अब की बार तीनों सालों में कुछ ना कुछ करना है, साल खत्म करने से पहले पीछे चेक करना है कि कुछ रह तो नहीं गया। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, बेचने की बारी आएगी तब बेचने के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं 2015 से। एक अप्रैल 2015 मशीनरी खरीदी गई है 2 लाख रुपए में। 1 अप्रैल 2 बैंक पैसा गया, इसलिए 2 बैंक मशीनरी का खाता हो गया डेबिट बैंक की वजह से। कितने का गया भाई, रोकड़ा गया तेरा 2 लाख रुपए का जेब में से। यहां लिखा मशीनरी क्रमांक 1। अब इस 1 की कीमत अब पता चलेगी मुन्ना, इस 1 की कीमत आज पता चलेगी। देखो कितनी जरूरी होता है नंबर लिखना। हाँ भाई, साल के अंदर कोई एक ही ट्रांजेक्शन था, ठीक है जी, अच्छी बात है। साल खत्म करें, चलो फटाफट से साल खत्म करते हैं। आखिरी तारीख को आए, पीछे घूमे, चेक करा, लगाओ डेप्रिसिएशन। अब भाई तो शांत रहे, क्योंकि डेप्रिसिएशन के लिए बनाया गया है एक नया खाता जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। यानी डेप्रिसिएशन यहाँ बाय डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, डेप्रिसिएशन प्रोविजन के खाते में लगेगा। तो चलो डेप्रिसिएशन लगाते, कब लगेगा, आखिरी तारीख को 2016 31 मार्च 2 बाय लगेगा, बाय डेप्रिसिएशन। कौन सी पे, पहली मशीनरी पे, पहली मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। क्या शांति से बात सुनो कि भाई पहली मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। कितने का लगेगा, पूरे साल का लगेगा 2 लाख का 10%, 20,000 रुपए का लगा डेप्रिसिएशन। ठीक है, चलो डेप्रिसिएशन लग गया, पीछे का खाता क्लियरिफाई कर दिया। अब क्या करो, आखिरी तारीख समेटा करो और निकलो यहां से। समेटा करते हैं अकाउंट का, निकालते हैं बैलेंस, समेटा करो 2 लाख कितने का बैलेंस बचा, बाय बैलेंस सीडी समेटा कर रहे हैं आखिरी तारीख को। आखिरी तारीख 2016 31 मार्च कितना समेटा, 2 लाख रुपए यहां हो गए। और दूसरे खाते भी बंद करो फटाफट से, खाता बंद करते हैं भाई, ये वाला खाता बंद कर दो। 2 बैलेंस सीडी कौन सी सीडी, बैलेंस वाली सीडी, 20,000 यहां लिखा 20,000। अब देखो यहां भी खेल करना है अपने को, 2016 31 मार्च मशीनरी नंबर 1, यहां भी मशीनरी नंबर 1, यानी कि ये बैलेंस पूरा का पूरा पहली मशीन का है, ये डेप्रिसिएशन का बैलेंस पूरा का पूरा पहली मशीन का है। अगला साल शुरू करें, खाते वाते बंद हो गए, घर चले गए, अगले दिन वापस आ गए भाई, खाते खोलो सारे, फटाफट खोलो। चलो भाई खाता खोलते हैं, 2016 1 अप्रैल खाता खोलो, चलो मशीनरी को खोलो। 2 बैलेंस सीडी था, आ गया बन गया बीडी, कितना वही 2 लाख रुपए पहली मशीन का ही बैलेंस है पूरा का पूरा। ठीक है, और ये प्रोविजन का खाता कौन खोलेगा, मैं खोल देता हूं 2016 1 अप्रैल, कितना 20,000 का खाता यहां पे खोलता था। चलो भाई अच्छी बात है, खाता खुल गया। अब चलो साल देखते, पूरा साल घूमे फिरे निकल के आई एक एंट्री। कौन सी तारीख की, पहली तारीख की एंट्री है भाई, कितना 50,000 की मशीनरी खरीद ली। चलो मशीन खरीदते कहां आता है, मशीन के खाते में किस नाम से, 2 बैंक हुआ आ गया यहां भाई। अब देखो यहां मशीन नंबर 2, यहां से सारा दुख चालू होगा आपका। ठीक है, आगे समझिए, आगे देखो भाई, मशीन नंबर 2 खरीदी 50,000। ठीक है, अच्छी बात है, चलो एक ही एंट्री थी कर डाली। चलो भाई चलो करो फटाफट खत्म करते, साल खत्म हो गया। पीछे घूमे, चेक करा, कितनी मशीन है, 2, लगाओ दोनों पर डेप्रिसिएशन। चलिए तो भाई यहां आएगा डेप्रिसिएशन, वहां नहीं आएगा, वो तो बेचारा बच्चा है। अब देखो पहली मशीन दूसरी मशीन दोनों पे लगेगा डेप्रिसिएशन, मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूं ताकि जगह बचे, आपको नीचे लिखना है। ठीक है ना, पहली मशीन पे लगाया आपने डेप्रिसिएशन और दूसरी मशीन पे लगेगा डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो भाई पहली मशीन पे वही 10%, 20,000 रुपए, दूसरी मशीन खरीदी है 50,000 रुपए में 1 अप्रैल को, तो यानी इस पर भी पूरे साल का ही लगेगा। कितना, 5,000 रुपए का इस पर डेप्रिसिएशन लग गया।
ठीक है। टोटल कीमत का डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 25,000 का डेप्रिसिएशन हमारा यहाँ पे लग गया। आगे बढ़े, आगे देखो भाई ठीक है डेप्रिसिएशन लग गया, आखिरी तारीख पीछे घूम के सारा काम कर डाला, अब खाते बंद करो, कम ऑन खाते बंद करो, बंद कर दो खाते, कर दिए बंद साफ खाते, आपने बोला और हमने किया, कितना 2,50,000, 2,50,000, 2,50,000 बाय बैलेंस सीडी, पहली मशीन दूसरी मशीन, ये बेवकूफपंती लगती है बहुतों को, पर इससे गलतियां कम होती है, और जहां गलती कम होती है ना उसमें दो सेकंड ज्यादा लगते हैं, चलेगा ठीक है ना। आगे समझिए, इसका भी बंद कर दो भाई, खाता किसी में, खाता बंद कर, खाता बंद कर, जल्दी जल्दी बंद कर, 45,000 का बैलेंस आ गया, 45,000 का बैलेंस आ गया, जगह आयो कैश दिख रहा हूं आपको ठीक है ना, 45,000। अब देखना टू बैलेंस सीडी, पहली मशीन दूसरी मशीन, पहली मशीन पे डेप्रिसिएशन कितना लगा है, 20,000 पहले लग चुका है और 20,000 अब लग गया है, तो पहली मशीन पे डेप्रिसिएशन अब तक लग चुका है 40 का और दूसरी मशीन पे डेप्रिसिएशन लग चुका है 5 का। ये बहुत मदद करेगा बेचते का है ठीक है। चलो साल खत्म हो गया, 31 मार्च को तारीख कौन डालेगा, पिडंग ठीक है, 2017 31 मार्च, यहां भी आ जाओ, 2017 31 मार्च, आखिरी समय, अंत समय जब आता है, अच्छी बात है खाते बंद कर घर चले गए, अब खाते वापस खोलते हैं, कम ऑन अब अपन खाते वापस खोलते हैं, खाता खोलने गए नई तारीख, पहली तारीख को खाता खोलते हैं भाई, खाता खोलते हैं इसका, तो भाई 2017 1 अप्रैल टू बैलेंस सीडी, सीडी आएगा बीडी आएगा, बीडी आएगी, पहला दूसरा, पहले का बैलेंस है 2,00,000 रुपए, दूसरे का बैलेंस है 5,000 रुपए, टोटल बैलेंस 5 नहीं 50, टोटल बैलेंस 2,50,000 रुपए का आपका रह जाता है ठीक है। आगे बढ़ते, आगे देखो, आगे क्या करा भाई, इसका खाता खोल दिया, उसका कौन खोलेगा, उसका खाता खोलते हैं, उसका खाता खोल दिया बाय बैलेंस सीडी, कौन सा, बीडी लगेगा सीडी नहीं लगेगा, पहला और दूसरा, इस पे लगा अब तक 40 का डेप्रिसिएशन, इस पे लगा अब तक 5 का डेप्रिसिएशन ठीक है, टोटल 45,000 का डेप्रिसिएशन आपका यहाँ पे लग चुका है ठीक है। कब खोला खाता, पहली तारीख 2017 1 अप्रैल। अब साल के एंड पे आते, एंड पे आने से पहले साल में कुछ किया, हाँ किया भाई, एक ट्रांजेक्शन है, क्या किया, पहला वाला बेच दिया, क्या किया, पहला वाला बेच दिया, चल निकल यहां से, पहला वाला बेचा, कब बेचा, 1 अक्टूबर 2017, साल खत्म होने से पहले, अब समझ रहे इस चीज को, जब आपने पहला वाला बेचा ना 1 अक्टूबर को बेचा, तो पहले 1 अक्टूबर की तारीख पे मशीन पे डेप्रिसिएशन कितना लगा भाई, अप्रैल से अक्टूबर आपने इस्तेमाल करी, ये अप्रैल का डेप्रिसिएशन है, अप्रैल से अक्टूबर यानी कि 6 महीने तक आपने को मजे लिए उस मशीन से, सारा काम निकलवा लिया, अब 6 महीने का डेप्रिसिएशन कौन लगाएगा, लगाएंगे ना, तो यहाँ पहले 1 अक्टूबर को सिर्फ पहली मशीन का आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे, यहाँ लगाया दिख रहा होगा 1 अक्टूबर बाय डेप्रिसिएशन पहली मशीन पे, दूसरी पे नहीं, दूसरी तो कब लगेगी, साल खत्म होने के बाद एंड में, कितना लगेगा, आधे साल का, यानी कि 2,00,000 का 10%, आधे साल का यानी 6/12, तो ये हो गया आपका 10,000 रुपए का डेप्रिसिएशन, आप समझो ठीक है भाई, 1 अक्टूबर को आपने डेप्रिसिएशन तो लगा दिया ठीक है, पर इस डेप्रिसिएशन का करोगे क्या, डेप्रिसिएशन का काम क्या होता है कि आपने 2,00,000 की खरीदी, इतनी वैल्यू कम हो गई, अब बताओ प्रॉफिट या लॉस, अब अगला काम यहां से अपना चालू होता है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस डेप्रिसिएशन को उठा के कहां लेके जा रहा हूं, मशीनरी में, बिकेगी तो भाई बिकेगी आपकी उस कमरे में, तो इस कमरे में क्या कर रहा है बेटा, कुछ नहीं कर रहा, छोरी वाले देखने वहां है, वहां जा, यहां से देखे देखे वाईफाई से कनेक्शन नहीं बैठेगा तेरा, डेप्रिसिएशन उठाओ और लेके जाओ वहां, कहां ना, कैसे, यहां पड़ा है डेप्रिसिएशन डेबिट साइड, क्रेडिट साइड में पड़ा है, 40,000 दे रहा, 10,000 देगा, टोटल 50,000 का डेप्रिसिएशन, पहली मशीन का डेप्रिसिएशन ले जाना, दूसरी का नहीं, दूसरी तो यही पड़ी है बेचारी, अपने घर की छोटी बेचारी, छोटी बच्ची है, दूसरी की शादी जब आएगी उसकी तब लेके जाएंगे, तो भाई 40 और 10 50,000 का डेप्रिसिएशन पहली मशीनरी का उठा के लेके जाओ, कहां पे, वहां पे, क्रेडिट में पड़ा है, लेके जाना है, कहां लेके जाना है,
मशीनरी के खाते में पहली मशीन का डेप्रिसिएशन 50,000 रुपए। समझ में आया क्या करा? 40 और 10, 40 दो साल का, 10 इस साल का आधा क्या ले गए? 50,000 रुपए का डेप्रिसिएशन ले गए 1 अक्टूबर को। उठाया कमरे से, कहां पटकेंगे? दूसरे कमरे में। यहां कहां से गया है? डेबिट से, तो वहां कहां जाएगा? क्रेडिट में। 1 अक्टूबर, अरे भाई कहां से आया तू? बाय। कहां से आया है? बाय, सीधा भेजा है अकाउंट ने। कौन से अकाउंट ने? प्रोविजन वाले अकाउंट ने। पूरा नाम लिखना है। 50,000 किसने भेजा? 50,000 में 50,000 का डेप्रिसिएशन उसने उठा के बेच दिया। अब कीमत देखो, मशीन की कीमत पड़ी है 2 लाख रुपए, डेप्रिसिएशन कितना भेजा गया? 50,000 रुपए। यानी कि आज की तारीख में आपकी डेप्रिसिएशन की कीमत रह गई है, वो मशीन की कीमत रह गई है 1.5 लाख रुपए। समझ में आया? मैंने यहां से उठा के यहां पटक दिया ताकि 2 लाख की मशीन थी, कॉस्ट प्राइस 50,000 का डेप्रिसिएशन लगा था, बची कीमत 1.5 लाख रुपए, वो आपकी आज की मशीन की कीमत है। बेचा कितने में? 1.20 बेच दो। बाय बैंक, मशीन वहां पड़ी है, बेचोगे तो यहां आ जाएगी। कितने में बेची? 1,20,000। मशीन की कीमत कितनी बताई थी भाई आज की तारीख की? 1.5 लाख रुपए। बेची कितने में? 1,20,000। क्या हो गया? बाय लॉस ऑन सेल, कितने का लॉस हो गया आपको? 30,000 का। कब? पूरा ट्रांजेक्शन सारा का सारा 1 अक्टूबर में ही आ जाएगा। समझ में आ गया क्या हो रहा है? समझ में आया? तो हमने क्या करा, ये डेप्रिसिएशन उठा के वहां लेगा। जनरल एंट्री की बात करोगे तो वो बनेगी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, ताकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट हुआ है मशीन की वजह से और मशीन का अकाउंट क्रेडिट हुआ है प्रोविजन की वजह से। तो मशीनरी एंट्री बन गई आपकी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। आगे सब लोग, काम खत्म नहीं हुआ अभी तो, आप आधे साल का आए हो, साल खत्म करते हैं। आखिरी साल खत्म करा, पीछे घूमे, पलट के देखा, एक मशीन अभी भी बाकी है, क्या करो? लगा दो डेप्रिसिएशन। दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो लगा लेना। बाय डेप्रिसिएशन कब? 31 मार्च 2018 को। दिख रहा है? दिख रहा है थोड़ा सा? नहीं दिख रहा तो छोड़ो, कोई बात नहीं, मैं इसको मिटा देता हूं, ऊपर लिख देता हूं आपको। यहां लगाया 31 मार्च का डेप्रिसिएशन लगेगा। बाय डेप्रिसिएशन ऑन सेकेंड मशीनरी पूरा 5,000 का डेप्रिसिएशन आपका लग जाएगा और नॉर्मल इसका बैलेंस निकल जाएगा। यहां पे कुछ नहीं भाई, ये तो चली गई बेचारी, अच्छे आदमी था, निकल लिया। साल खत्म करते हैं, खाते बंद करते हैं। 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, 2 लाख की तो यहाँ पे सलटाला हो गया। बचे कितने? एक ही मशीनरी बची, मशीन नंबर 2। बाय बैलेंस सीडी मशीन नंबर 2। अगले साल वापिस से निकाल करना है, काम खत्म करनी नहीं होने वाला। तो गाइस, आई होप आपको समझ में आया हो कि भाई किस तरीके से प्रोविजन से उठा के पटक दिया जाता है, कहां पे? मशीनरी के खाते में, जब उसको बेचना होता। एक टॉपिक आपका और रह गया जिसको अपन कल पढ़ेंगे, वो क्या है? डिस्पोजल अकाउंट। बड़े समझदार पढ़ी होते हो, बोले यहां पर मशीन को क्यों कॉम्प्लिकेट करो, एक और खाता बना देता हूं, इसको मशीन में नहीं भेजेंगे, इसको उस अकाउंट में भेजेंगे। यहां से भी ये बैलेंस को उठा के यहां नहीं करेंगे, इसको उस अकाउंट में भेजेंगे, इसको मशीन डिस्पोजल अकाउंट कहते हैं। वो कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। टिल देन गाइस, कीप ऑन वाचिंग, कमेंट, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।